हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित 25 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं आप इन 25 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? विकल्प है हरदुआगंज अलीगढ़ में, दौलतपुर रायबरेली, जोंगरी आगरा, निजामाबाद आजमगढ़। दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो यह विकल्प नंबर ब सही हो जाएगा, दौलतपुर रायबरेली में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों, इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। और अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? विकल्प है 1864 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1868 या फिर 1871 ईस्वी में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? तो यह 1864 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आपको बहुत ही कम बुक्स में देखने को मिलेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृतायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी? तो यह राहुल सांकृतायन जी ने दी। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस विभाग में नौकरी करते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस विभाग में नौकरी करते थे? तो ये रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। विकल्प स सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को किस युग के प्रधान कवि के रूप में माना जाता है? विकल्प है स्वतंत्रतावाद, प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद या फिर द्विवेदी युग। तो यह द्विवेदी युग इनके नाम पर पड़ा था। और दोस्तों, इन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और लगभग 17 साल इन्होंने इसका प्रकाशन किया, जो कि 1920 ईस्वी तक था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि दी गई? विकल्प है साहित्य वाचस्पति, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, चतुर्माली या फिर कविराज। सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, साहित्य वाचस्पति की उपाधि इन्हें दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी पुस्तक किसने लिखी थी? विकल्प है रामविलास शर्मा जी ने, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। सही उत्तर बताएं इसका क्या हो जाएगा? हिंदी नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी पुस्तक रामविलास शर्मा जी ने लिखी थी। विकल्प अ सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि किसने दी थी? तो यह काशी नागरी प्राचार्य सभा ने इन्हें 1931 ईस्वी में यह उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? विकल्प है
सरस्वती पत्रिका, कल्पना, अभद्युग्य निषक। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यह सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? अभी हमने किया है, इन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न 10 देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कितने वर्ष तक किया? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या फिर 18 वर्ष? कितने वर्ष तक किया? तो यह 17 वर्ष तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रारंभ में किस नाम से रचनाएं करते थे? विकल्प है साहित्य वाचस्पति, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, चतुर्माली या फिर कविराज। तो ये विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से ये अपनी आरंभ में रचनाएं करते थे। और दोस्तों, अगर इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो आप नोट कीजिएगा, काव्य मंजूषा, कान्या कुब्ज, संपत्ति शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, संपत्ति शास्त्र इनकी महत्वपूर्ण रचना है और ये मास्टर कैडर एग्जाम में भी पूछी गई है। कविता कलाप, नागरी तेरी यह दशा, अवला विलाप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है इनकी दोस्तों, और कुमार संभव सार, ऋतु तरंगणी और गंगा लहरी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर किसने हिंदी व्याकरण की रचना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगाइए इस पर, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। विकल्प है कामता प्रसाद गुरु, राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक या फिर अरियोध। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर किसने हिंदी व्याकरण लिखा था? तो यह कामता प्रसाद गुरु जी ने लिखा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को गुरु मानने वालों में, तो इन्हें मैथिली शरण गुप्त जी अपना गुरु मानते थे और गणेश शंकर विद्यार्थी भी इन्हें अपना गुरु मानते थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक है साहित्य सीकर, रसज्ञ रंजन, संपत्ति शास्त्र या फिर कौटिल्य कुठार। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक संपत्ति शास्त्र नाम से है। और दोस्तों, अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहली है नाट्य शास्त्र और हिंदी नवरत्न, उसके बाद साहित्य सीकर। अगर और महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करें जो एग्जाम में इस बार पूछी जा सकती हैं, वह है जल चिकित्सा, विहार वाटिका, सुमन, ऋतु रंगनी। और इनके जो शब्द इन रचनाओं में हैं वो उर्दू फारसी शब्द हैं। अब दोस्तों देखिए, किस साहित्यकार के निबंध ज्ञान के संचित कोश कहलाते हैं? विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर अरिओध। किस साहित्यकार के निबंध ज्ञान के संचित कोश कहलाते हैं? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहलाते हैं। और दोस्तों, इन्होंने ज्ञान की राशि का संचित कोश किसे कहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। और इन्हों का एक महत्वपूर्ण कथन है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कपास की खेती करने वाला की संज्ञा किसने दी? विकल्प है नंद दुलारे लाल वाजपेयी, राहुल सांकीर्तन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो यह सही उत्तर हो जाएगा, नंद दुलारे लाल वाजपेयी जी ने इन्हें कपास की खेती करने वाला कहा था। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचना हिंदी कालिदास की आलोचना को हिंदी की प्रथम आलोचना किसने माना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकीर्तन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी कालिदास की आलोचना को हिंदी की प्रथम आलोचना किसने माना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यह किसने कहा कि चींटी से लेकर हाथी तक, बूंद से लेकर समुद्र पर्यंत किसी भी विषय पर कविता लिखी जा सकती है? विकल्प है कामता प्रसाद गुरु, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिओद जी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा काव्य उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ? विकल्प है काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप या फिर सुमन। तो यह द्विवेदी काव्यमाला था, विकल्प ब सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गीत गोविंद का अनुवाद किस नाम से किया? विकल्प है विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगणी या फिर बिहार वाटिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने गीत गोविंद का अनुवाद किस नाम से करवाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो यह विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, विहार वाटिका नाम से इन्होंने गीत गोविंद का अनुवाद करवाया था। प्रश्न 20वां देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद किस नाम से किया? विकल्प है विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगणी या फिर विहार वाटिका। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, ऋतु तरंगणी नाम से छायानुवाद करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भृतहरि श्रृंगार शतक का दोहे में अनुवाद किस नाम से किया? विकल्प है विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगणी या फिर विहार वाटिका। सही उत्तर इसका बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भृतहरि के श्रृंगार शतक का दोहे में अनुवाद किस नाम से करवाया? तो यह स्नेहमाला नाम से इन्होंने इसका अनुवाद करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भृतहरि के वैराग्य शतक का दोहे में अनुवाद किस नाम से किया? विकल्प है विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगणी या फिर विहार वाटिका। क्या उत्तर हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा विनय विनोद नाम से इन्होंने भृतहरि के वैराग्य शतक के दोहों का अनुवाद करवाया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा, विकल्प है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन प्रभा, मेरी जीवन रेखा या फिर मेरा परिचय। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा मेरी जीवन रेखा नाम से है।
अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन पंडित और कवि नामक रचना की विधा है, विकल्प है आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या फिर रिपोर्टताज। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, यह जीवनी रचना की विधा है। अगला प्रश्न देखिए, और दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ था, विकल्प है 1930, 1932, 1936 या फिर 1938। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हुआ था। तो दोस्तों ये थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर जरूर जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।